नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है आपको एक छोटा सा मुझे पसंद आया, वंशीधर शुक्ल एक कवि जी हैं, वंशीधर शुक्ल, और इनका जो संबंध रहा है वो अवधी क्षेत्र से रहा है। किसानों के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है जो मुझे पसंद आया, तो मैं आपसे शेयर करने के प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सुनिएगा। एक किसान है, वो किसान जो है धान लगाया था खेत में, धान खेत में जो धान लगाए थे वो भी गड़बड़ हो गया है, परेशान है। खेत में जितने भी धान थे, जो भी कुछ उन्हें मिला, उसे बेचने के बाद उसका पैसा भी नहीं निकल पाया जितना वो लगाए थे। एक अन्नदाता की क्या अर्जी हो सकती है? वंशीधर शुक्ल जी ने किस तरीके से लिखा है उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ। परेशान है बिल्कुल किसान, जो अन्नदाता जी हैं बहुत परेशान है। देखिएगा, हमारे देश में कृषि प्रधान है और किसानों की क्या महत्ता होती है आप सभी लोग जानते हैं। उनको देखिएगा, लरिका के फतुही नोची, बिटिया के फटी घघरिया, हमरो सरी गवा लगोटा, घर नंगी बैठी मेहरिया, हे राम या जुका करीबा, कैसे पूत जियई बा, जो इनका ना जुखवई बा, तौ पोत कहाँ ते लई बा, मुड़े सालों का परे भी, बहनी बिटिया कुछ मगी हैं, करजऊ पर मिलई न पाई, हम कैसे दिया जरई हैं, हमरे मन मायू आवई, भैया तुम बैठो घर मा, अब दुख कहाँ लई सही बा, हम बूढ़ी मरी मगहरी माँ। ये जो शब्द है, ये शब्द जो है अवधी है, इस वजह से थोड़ा सा आपको समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन आनंद लीजिएगा। बहुत ही अच्छा वक्तव्य, किसानों का बहुत ही एकदम मार्मिक वर्णन किया है। फिरी सोचिन जो हम बूढ़ी बा, लड़िकन की होई खराबी, थाने वाले सुनी पई हैं, तौ करी है खूब नवाबी, लरिकन का बेतन मरी है, मेहरी के इज्जत हरी है, भैंसिन के कुड़की करी है, लरिकन के पसुरी तोरी है, तेहि ते जीव चुप्पे बैठ्यों, कबहू नी के दिन यही है। किसान सोच रहा है कि कभी हमारे लिए भी अच्छा दिन आएगा, लेकिन उसकी सोच सोच ही रह जाती है, अच्छा दिन उसके लिए कभी नहीं आता है। कबहू इन आँखिन देखी बा, बेटो पेटो भरी खई है, औरे ते कुछु कहित ना, मुल तुम ते साचू बताएं, तुम हऊ कुछ पर उपकारी, तेहि ते फरियाद सुनायन, हम सुनिन राम धे अब ते, लखनऊ में बाबा यही हैं, औ उनके संग मुलुक के सब चेला चापर यही हैं। ये आज का वर्णन नहीं है, वंशीधर शुक्ल ने बहुत पहले इसका वर्णन किया था। देखिएगा कितना मार्मिक है, किस तरीके से है, मैं वर्तमान पे टिप्पणी नहीं करूंगा। हमरे मन मायस आवई, उन्हीं के आगे रोई बा, सब लड़िका बारे मिलके, हम उहें मूड़े दई मरी बा। तो किसान सोचता है कि कभी उसके लिए नए दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन एक किसान के लिए ये चीज़ें सोचना व्यर्थ है, क्योंकि किसान किसान है, उसका केवल काम है अन्न उत्पन्न करना और पूरे देश की सेवा करना, लेकिन उसके लिए कोई सामने नहीं आता है। तो एक अन्नदाता की अर्जी है, जिसे वंशीधर शुक्ल जी ने बहुत पहले ही बताया था। सुनिएगा, अगर पसंद आता है तो
शेयर भी करके आप लोग मौज लीजिएगा। धन्यवाद आपका।